गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर श्रेयांश तिवारी। टुडे वी विल रीड चैप्टर 4 द होम कमिंग। जैसा आपको यहाँ पे नजर आ ही रहा है कि इसके ऑथर बड़े ही जाने माने लेखक हैं, जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, आरएन टैगोर, जिनका जन्म 1861 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1941 में हुई थी। इनकी सबसे महत्वपूर्ण कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स कह सकते हैं इन लिटरेचर, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा इनका अनुभव रहा है और बहुत अच्छी अच्छी इनकी कविताएं हैं। और आप आपको पता ही होगा कि जनगण मन जो नेशनल एंथम है वो हमारे इन्हीं लेखक द्वारा लिखा गया है, आरएन टैगोर के द्वारा। और गीतांजलि जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण उनकी एक रचना है, जिनको उस समय इनको 1913 में 1913 में इनको नोबल प्राइज द्वारा नवाजा गया था। और इनकी जो मृत्यु इन्हीं के होम टाउन में शांति निकेतन में 1941 में हुई थी। और अब हम इस चैप्टर के बारे में समझेंगे। द होम कमिंग जो चैप्टर है इसके ऊपर काफी मूवीज भी बन चुकी हैं अलग अलग पैटर्न के थ्रू, लेकिन ये जो चैप्टर है वो काफी हद तक नॉर्मल लाइफ से बिलोंग करता है। इसके साथ साथ यहाँ एक बच्चे की बात की गई है, थोड़ा बिगड़ैल था शुरुआत में, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर क्या बदलाव आते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये हम इस चैप्टर में समझेंगे। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो हम इसे ध्यान से पढ़ते हैं। पथिक चक्रवर्ती वॉज अ रिंग लीडर एमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। इसमें बताया गया है कि पथिक चक्रवर्ती गांव के लड़कों का सरगना था, मतलब उनका हेड था, रिंग लीडर इज अ हेड। अ न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज हेड, उसके दिमाग में एक नई खुराफात सूजी, मिस्चीफ इज खुराफात। देयर वॉज अ हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी अ शेप्ड इनटू अ मास्ट फॉर अ बोट। इसमें बताया गया है कि वहां पर गीली मिट्टी में नदी के किनारे एक भारी भरकम लट्ठा पड़ा था, तो उसने क्या किया, जो कि अब जिससे नाव का मस्तूल बनाया जाता है, मतलब उसका शेप वगैरह दिया जाता है। ही डिसाइडेड दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर टू शिफ्ट द लॉग बाय मेन फोर्स फ्रॉम इट्स प्लेस एंड रोल इट अवे। इसमें बताया गया है कि उसने सोचा कि वे सब लड़के एक साथ मिलकर उस लट्ठे को खिसकाकर दूसरी ओर दूर धकेल देंगे। The owner of the log would be angry and surprised and they would all enjoy the fun. ये देखकर लट्ठे का मालिक आश्चर्य में पड़ गया और परेशान हो गया कि इस प्रकार लड़कों को क्या मजा आएगा, मतलब तो ये सब करने में बच्चों को बहुत मजा आता है। तो everyone seconded the proposal and it was carried unanimously, जैसा इसमें बताया गया कि इस बात को सभी ने माना और सर्व सम्मानित से, मतलब सभी ने एक दूसरे की मंजूरी देते हुए उस खुराफात पे मुहर लगा दी कि भाई अब तो मिलके काम करके रहेंगे। आगे इसमें बताया गया है जैसा इसमें कि नाउ बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, माखन यहाँ पे उसका छोटा भाई है, तो यहाँ पे इसमें बताया भी गया है कि लेकिन जैसे शुरुआत होने वाली थी इस शरारत की, तो उसका छोटा सा भाई माखन पथिक्स यंग ब्रदर सॉन्टेड अप एंड सेट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम एंड ऑल विदाउट अ वर्ड। और वो है ना मटरगस्ती करता हुआ आ गया वहां पे और कुछ और बिना कुछ बोले उन लोगों के सामने उस लट्ठे पर बैठ गया। द बॉयज वर पजल्ड फॉर अ मोमेंट, वो जो लड़के तो थोड़ी देर के लिए कुछ उलझन में पड़ गए, यहां पे पजल्ड का मतलब है उलझन। ही वॉज पुश्ड रादर टिमिडली बाय वन ऑफ द बॉयज एंड टोल्ड टू गेट अप बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न। उनमें से एक लड़के ने डरते डरते उसे धक्का दिया वहां से उठ जाने को कहा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि मानो वो अपना ध्यान मग्न है और अपने ही मन में अपना ही विचार मग्न है वो। तो आगे से बताया गया कि ही अपीयर्ड लाइक अ यंग फिलोसोफर एंड मेडिटेशन ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द गेम्स, मानो वो ऐसा ध्यान मग्न हो गया है कि उस वो अपने वो खेल विल सब भूल गया है, वो क्या हो रहा है आसपास उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पथिक वॉज फ्यूरियस
तो हुआ क्या, जब ऐसा उसने देखा तो वो चीखा, कौन? पथिक, गुस्से में, माखन पे. इफ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल थ्रेश यू. माखन ओनली मूव टू अ मोर कंफर्टेबल पोजिशन. उसने कहा कि अगर तुम इसी समय नहीं उतरे तो मैं तुम्हें पीटने लगूंगा. और इस पर माखन वहां पर और जकड़कर बैठ गया गुस्से में. तो नाउ इफ पथिक वॉज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, इट वॉज क्लियर ही ऑट टू कैरी आउट ऑफ हिज थ्रेट. जैसे इसमें बताया गया कि अब यदि उनके सामने पथिक को अपना शाही शान, मतलब अपना जो कि भाई वो हेड वाला जो रुतबा है वो अगर बरकरार रखना है तो निश्चित ही उसको अपनी धमकी पर काम करना पड़ेगा. तो बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस. लेकिन उसकी हिम्मत जवाब देने लगी. हिस फर्टाइल ब्रेन, यहां पर देखिए, यहां पे बात करी गई है फर्टाइल ब्रेन की. तो हाउ एवर रैपिडली सीज्ड अपॉन अ न्यू मैन्यूवर विच वुड डिसकंफर्ट हिज ब्रदर एंड एफर्ड हिज फॉलोअर एंड एट एडेड अम्यूजमेंट. जैसे जैसे बताया गया कि उसके शातिर दिमाग में फर्टाइल, मैंने बताया था अभी माइंड की, तो उसके शातिर दिमाग में एक अन्य एक और युक्ति सूझी कि उसके भाई के तो छक्के छुड़ाई देंगे और लड़कों का भी मनोरंजन हो जाएगा, लड़के भी खुश हो जाएंगे. तो ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर. और उसने कमांड दिया, क्या कमांड दिया? उसने लड़कों से कहा कि लट्ठे को धकेल दो, साथ में माखन को भी ढकेल देना. तो माखन हर्ड द ऑर्डर एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन. तो अब यहां पे जब उसने ये बात सुनी तो माखन तो उसका प्रतिष्ठा का जो के ऊपर उसका प्रश्न आ गया. और अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई. बट ही ओवरलुक द फैक्ट लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन द अदर मैटर्स दैट देयर वॉज पेरिल इन इट. लेकिन जिस प्रकार कुछ लोग सांसारिक लाभ का अर्जन करने के लिए गलत काम करते हैं बिना उसकी जोखिम को जाने, उसी प्रकार माखर ने खतरे को अनदेखा कर दिया. उसको ये लग ही ना रहा था कि उसके चोट लग जाएगी, वो सिर्फ अपनी धुन में मस्त था. तो आज हम सभी यहां तक इसको मार्क लगा लेंगे और इसको पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.